You missed the part. कैसा है मेरा बेबी? से पढ़ के आ गया बेबी? क्या पढ़ा था? और आपकी टीचर कैसी है? ठीक है। आपसे प्यार करती है? आपकी फ्रेंड कैसी है? ठीक नहीं है फ्रेंड? ठीक है। क्या नाम है फ्रेंड का? हादी। हादी बॉय है आपका फ्रेंड? गर्ल नहीं है? गर्ल है, हादी है। और देखो ठंड इतना ज्यादा तो कितने कपड़े नीचे से पहन कर जाती है। आ जाओ बस अब शर्ट निकालना है। आ जाओ ब्लैंकेट में छुपाती हूँ। हाँ टम्मी पे ब्लैंकेट डालती हूँ। आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम ठीक है, खैर खैर ऐसे हैं। तो देखो आज का मैं व्लॉग अपना यहाँ छत से शुरू कर रही हूँ। मैं घर की पीछे वाली गली दिखाती हूँ कि जब हम यहाँ पर शिफ्ट हुए थे ना, जब हम यहाँ पर आए थे तो यहाँ पर इतना ये हरा भरा था सब। और सर्दियों में देखो ऐसा हो जाता है, ठंड की वजह से पत्ते भी सब कुछ ऐसा झड़ जाता है। हम यहाँ पर आए थे ना, हरी तुरी भी लगी हुई थी, सब्जियाँ कुछ लगी हुई थी। गर्मियों में ना ज्यादा हरियाली हो जाती है और ठंड में जो है ना हरियाली थोड़ा कम हो जाती है, सब कुछ ठंड में झड़ जाता है। इस मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ सुहाजना ना, मैं जब भी गांव से आती हूँ ना, वहाँ से हम सुहाजना साग ये सब कुछ लेकर आते हैं। इस दफा साग भी मैंने तुड़वाया था, बनवाया भी था, लेकिन लेट हो गया था, पक रहा था उस टाइम, तो वो पका हुआ साग मैं नहीं लेकर आई। फिर जब अम्मी आई थी ना, अम्मी फिर दूसरे दिन आ गई थी, तो अम्मी पका हुआ साग थोड़ा लेकर आई थी, लेकिन वो वाला नहीं था जो शबाना बना रही थी, वो बहुत मज़े का बनाती है। तो खैर इस दफ़ा ये चीज़ें रह गई। शादी में थोड़ा बिजी भी थे, और थोड़ा नहीं बहुत ज़्यादा, मैं इस दफ़ा शादी में बिजी थी पिछली दफ़ा से। और इनको तो मैं ऊपर देखने आती नहीं। देखो छोटे छोटे चूजे थे, इतने बड़े हो गए माशाल्लाह। आयत वाले कहाँ हैं? आयत जो छोटे चूजे लाई थी, वो वाले कौन से हैं? ये इधर वाले, ये वाइट और ये वाला। खुशी को लेने गए थे, नोबिता को जब लेने गए थे, जब हम खुशी को या नोबिता को लेने गए थे, तो तब आयत ने बहुत ज्यादा जिद करी थी, तो हमें छोटे छोटे इसको चूजे दिलाए थे। देखो कितने बड़े हो गए। ये रहे वो, एक ये वाइट है, पूरा थोड़ा अंदर से दिखा तो, एक ये वाइट है और एक पीछे ये रेड वाला, ये दो थे। छोटे छोटे चूजे थे कराची में, कराची से देखो ये इस्लामाबाद आए हुए। और ये जितने भी बाकी सारे हैं ना, ये सारे इस्लामाबाद के ही हैं। कबूतर कबूतर दिख जाओ, ये कबूतर भी कराची के हैं। ये गाइस कबूतर के घर पे जो है ना बेबी आने वाला है, इनके घर पे बेबी होने वाला है। अच्छा ये दोनों जो येलो बैठे ना, ये इस्लामाबाद के हैं, ये इधर से ही लाए थे। ये मेरे हस्बैंड का शौक है परिंदों का, थोड़ा थोड़ा करके देखो इन्होंने कितना बढ़ा दिए। और नीचे देखो मुर्गियां भी कितनी है, ये भी थोड़ी थोड़ी करके कितनी ले आए हैं। ये भी जब हम शादी में गए थे ना, तो ये भी अपने नेबर को ही बोल कर गए थे, तो वो इनका खाना पीना सब कुछ इनको टाइम पर देते रहे। वजह से ऊपर आए, बहुत ज्यादा दिल कर रहा था चाय बनाने का, कि ऊपर बैठकर चाय पीते। तो ये देखो ये सारा सामान भी ले आए ऊपर। फिलहाल यहाँ से सनसेट दिखाती हूँ। वही वाला सामान है जैसे हम बाहर पिकनिक पे जाते ना, थोड़ी चीनी, थोड़ी पत्ती, थोड़ी इसमें ये इलायची हो गई, और साथ में फ्रेश दूध हो गया। माचिस ले आए हैं, अब यहाँ पे बैठ के चाय बनाएंगे। ये मंगाया है आज मैंने नया चूल्हा, लकड़ियों को घुट के छोटे छोटे करके डाल दो। हाँ या ये कोयले डाल दो, मतलब ये वो हो गया जैसे ना हम गांव में ना वो छोटे छोटे पाइप होते ना, पाइप से यूँ फूक दे रहे होते कि आग तेजी से जले, तो ये इसमें लगा हुआ है, यहाँ से हवा ये मारेगा तो अंदर आग और तेज होगी। इसका चार्जर, चार्जर पे चलता है ये। अच्छा ये पंखा इसका छोटा, देखो इतने सारे कोयले भी ले आए हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम किया है। ये देखो गाइस इतना बड़ा कोयला, ये इस साइड से तो लकड़ी दिख रही है, तोड़ना पड़ेगा इनको। हाँ। मैंने अपनी लाइफ में इतना बड़ा कोयला आज पहली बार देखा है। इससे भी बड़े होते हैं ये, तो कुछ भी नहीं। फिर पता क्या करते होंगे, कोयले इतने बड़े नहीं होते, वो लकड़ी काट के ना उसको काला काला करके रख देते होंगे, काला पेंट करके, काला पेंट करके रख देते हैं और फिर ना कोयला बनाकर बेचते हैं। ये देखो ये तो मुझे अभी भी लकड़ी लग रही है जिसपे पेंट हुआ वो ब्लैक। ऐसा कुछ नहीं होता। ये भी डाल दूं? नहीं नहीं वो नहीं डालना, उसको नहीं जलेगी, टुकड़े करेंगे। यहाँ से मैं आपको सनसेट होता हुआ दिखाती हूँ। हमारे घर से ना ये वाला व्यू बहुत प्यारा लगता है, ऑरेंज ऑरेंज सन ना, माशाल्लाह खूबसूरत लग रहा है। तो गाइस आज हमने ये फाइनली अपने घर के लिए एक नया चूल्हा लिया है। आज हम ट्राई कर रहे हैं अपने छत पे, कि कभी भी ऐसा दिल करता है तो साथ में कोयले भी शापर भर के मंगा के रख दिए। आज मुझे ये जलाते हैं ना, मुझे अपना वो पहले वाला घर याद आ रहा है, जो हमारा शुरू शुरू में पहला घर था ना, दो रूम वाला जो मेरा अपना घर था, वहां से मैंने व्लॉगिंग शुरू की थी। उसमें इतनी छोटी बैल्कनी थी ना, वहां पे भी मैं छोटी छोटी लकड़ियों के कड़िया ढूंढ के ईंटे रख के मैंने वहां पे भी चाय बनाई थी। ये बताने का मतलब है कि शुरू से मुझे इन चीजों का शौक है। तो देखो आप कैसे पकड़ रही है, पीछे हट जाओ। अरे अल्लाह इस पे तो बस दिल करे कि मैं हाथ से दू। जैसे इस तरफ? हाँ घुमाओ फुल। अभी तो काला काला धुआं निकल रहा है, वो शॉपर का होगा ना। हाँ। इसमें कोई लकड़ी नहीं है, कोयले हैं, तो आहिस्ता आहिस्ता आग पकड़ तो रहा है, वैसे काम करेगा। नहीं, नहीं करेगा है ना।
तो ये इस चीज के लिए अगर आग बुझना शुरू हो तो इसको जैसे आप खोलोगे ना इसको बाहर से, तो ये अगर माचिस नहीं भी है तो फूक मार, हवा मार मार के अंदर जो है ना दोबारा से आग तेज कर देगा। साथ में मैंने पानी का जग यहाँ पर लाइन से अपना पूरा किचन मैंने रखा हुआ सब कुछ। अम्मी को मैंने आवाज दी है कि अम्मी आप भी नीचे आ जाए, अम्मी को मैंने बुला के कि अम्मी आप भी ऊपर आ जाए। तो जैसे हम गांव में आग जलाते थे ना चाय बनाने के लिए, किचन में जो जो छोटा हमारा आग जलाने वाला किचन था पूरा धुएं से भर जाता था, कोई भी अंदर आता था ना आंखें मसलते मसलते बाहर भाग जाते थे। हल्का हल्का जो है ना सेक लगना शुरू हो गया है। गाइज इसकी असलियत बताने का वैसे टाइम आ गया, बता दूं मुझे चूल्हा अपलायो इतना टाइम हो गया, अभी इसकी असलियत बताने का टाइम आ गया। देखो इतनी देर से हम यहाँ पर बैठे हुए हैं, 15 मिनट हो गए हैं तकरीबन, 15 हाँ 15 मिनट हो गए हैं, और अभी देखो थोड़ा थोड़ा गर्म दूध होना शुरू हुआ है। और इसको ये वाला जो स्टैंड है ना इसका, ये देखो ये जो चूल्हे का स्टैंड है इसको भी मैंने उल्टा रखा है ताकि ये हमारा थोड़ा नीचे जाए और इसको ज्यादा सेक लगे, तो फिर हमारी चाय कुछ बने तो थोड़ा सेक लगना शुरू हुआ है। वरना ये इतना अच्छा नहीं है, अगर मुझे देख के कोई भी इसको खरीदना चाह रहा है तो मत खरीदना, हाथ सेकने के लिए अच्छा है इसको जला के रख दो, उसके अंगारे जो है ना जलते रहेंगे। और इसमें जो है ना सिर्फ दो कप चाय के आराम से वैसे बन जाएंगे, लेकिन ज्यादा अगर आप चाय बनाओगे तो अच्छा खासा इस पर टाइम लगेगा। अंगारों पर तो इतना अच्छे से चाय पक ही नहीं रही, अम्मा नीचे कब से इंतजार कर रही है पता है। अम्मी को चाय का बोला है कि शाम की हमारी चाय का टाइम होता है ना, शाम को चाय सारे साथ बैठ के पीते हैं। अम्मी को बोल के हैं कि अम्मी चाय बन रही है, हम अभी आ रहे हैं। इस शुक्र है फाइनली जो है ना दूध में बॉयल आना शुरू हो गया, ये देखो मजे की होगी कोयले की। हाँ ये है टेस्ट, अब कैसा, इतना हमने मेहनत तो की है अब टेस्ट पे है, टेस्ट अच्छा होगा तो पैसे वसूल हो गए। इलायची डाल दी, इलायची नहीं डाली है, इलायची के इसमें जा रहे हैं। ऐसा मुझे लगता है कोई 1-1.5 महीने बाद मैं चाय पका रही हूँ। गाँव में मैंने एक बार बनाई थी, 1-2 बार शायद गांव में मैंने बनाई है, अभी जब हम शादी में गए थे। पता नहीं मुझे अपनी चाय की खुशबू तो बहुत मजे की आ रही है। अब चाय से ना कोयले वाला धुआं निकल रहा है। हाँ। मजे की है, जायका अच्छा है, मतलब जैसे हम गैस पे बनाते हैं ना उसे तो जायका अच्छा है। अभी भी चाय से दिल अगर आपका उठ जाता है, चाय पीने का दिल नहीं करता, तो अपने घर में ना थोड़ी सी ना लकड़ियां जमा करके आग जलाकर उस पे चाय बनाकर चाय पी लिया करो, चाय का टेस्ट जो है ना चेंज हो जाएगा और आपको चाय से दोबारा प्यार हो जाएगा। देखो आग अभी भी जल रही है तो हम सोच रहे हैं इसको नीचे लेकर जाते हैं, और ये रहा हमारा चाय वाला पतीला, और नीचे से कहीं से भी काला नहीं हुआ, जैसे बर्तन काले हो जाते हैं ना आग पे वो सब नहीं हुआ। आप ये चूल्हा लेकर नीचे आ रहे हो ना, चलो चूल्हा लेकर नीचे आते हैं और नीचे हाथ भी सेकते रहेंगे और साथ साथ हम अपनी चाय भी पीते। चाय की शक्ल देखो जैसे नॉर्मल चाय की शक्ल होती है बिल्कुल वैसे ही है, बस इसका ये है ना कि टेस्ट थोड़ा सा चेंज है। देखो हमारे घर की थोड़ी थोड़ी डेली जो है ना सेटिंग चेंज हो रही है, यहाँ पे ये टेबल आया बीच में, और यहाँ पे जो सोफा पड़ा था ना वो भी हट गया, 2 चेयर आ गई, यहाँ पे भी टेबल आ गई। आपको ऊपर बुलाया था मैंने, ऊपर आ जाए, बस मैं इधर बैठी हूँ सर्दी लग रही है। अच्छा फिर तो अम्मी को अंगारों की जरूरत ही नहीं है, साथ में हीटर इतना ऑन किया हुआ है। आज लाए? हाँ आज लाए इसको, बहुत अच्छा अच्छा लगे अम्मी, बहुत अच्छा। अम्मी अब चाय पी कर देखे आपको चाय कैसी लगी है। चाय अच्छी बनेगी है, जहाँ सेकने के लिए ये बहुत अच्छा है, इसमें कोयले डाल के। हाँ इनके शीशे नहीं थे जिसकी वजह से ये और वो दो, ये दोनों टेबल ना वहाँ पे पड़ी हुई थी, तो आज इनके शीशे लगे हैं, वो अच्छी लग रही है, तो ये अब अच्छी लग रही है। हाँ अस्सलाम वालेकुम, पतीसा लेकर आये हो फिर से, कहाँ से मिला? दुकान पे गए इनकी लॉलीपॉप लेना, अचानक सामने पतीसे वाला है। अच्छा तो ये देखो ये पतीसा है, जो के पतीसा इसको बहुत ज्यादा पसंद है, और जिस दिन ये जुम्मे की नमाज पढ़े पापा के साथ तो मस्जिद के बाहर मिल रहा होता है, वहाँ पर साइकिल होती है रेडी होती है बूढ़ा बाबा। हाँ तो बूढ़ा बाबा होता है और टोकरी में ले घूमे, टोकरी में होता है, कभी उनकी पूरी टोकरी ले लो ना फिर सेल करें। टोकरी में 20-25 होते हैं, 100 रुपए का होता है। इतना ज्यादा मुस्तफा आपको पसंद है? बच्चा हमें खाना खाते वक्त डिस्टर्ब करता। नोबिता नोबिता डिस्टर्ब करता है कि इसके लिए कमेंट आ रहा है कि एक सोफा जो है ना इस साइड से रखो तो इसका लुक थोड़ा अच्छा आएगा। आपका स्कूल चेंज करें? नहीं। ये वाला स्कूल सही है? नहीं। चेंज करें? नहीं। टीचर चेंज करें? नहीं। अच्छा आपका जो वो अभी तो इसको प्यार मिला है। हाँ वही इसीलिए तो मैं पूछ रही हूँ, मैंने कहा पूछूं जरा दिल लगा हुआ है स्कूल में या नहीं, अगर दिल नहीं लगा हो तो चेंज करें। अच्छा ये वाला स्कूल मम्मा आप देखो वो वाली लाइट ऑफ करो, लैंप ऑन करो तो फिर लाइट अच्छी आती है।
और देखो आज मैं कमेंट रीड कर रही थी तो मुझे पता चला कि मतलब इतने सारे मुझे कमेंट आ रहे थे कि कॉर्नर रिमूव करो कॉर्नर, मैं समझ ही नहीं पाई कि इन कॉर्नर की सब बात कर रहे हैं। देखो ये मेरे दिमाग में ही नहीं था कि इसको निकालना होता है, ये सेफ्टी के लिए होता है। मेरे दिमाग में ये चीज थी कि आप हमेशा मतलब मुझे घर की सेटिंग का आइडिया देते रहते हो कि ये चीज वहां से रिमूव करो वहां से हटाओ, ये था कि शायद कोई कॉर्नर अच्छा नहीं लग रहा कह रहे हो वो हटा दो। ये देखो ना ये हमने नहीं निकाले थे लगा दिया था, अब देखो अब अच्छा लग रहा है। देखा कैमरे में कौन है? चलो आइए स्कार्फ पहनो जल्दी करो, कारी साहब आ गए, चलो खड़ी हो जाओ। मैं कार्टून देखना अभी, कारी साहब आ गए, उठो शाबाश। आयत का स्काफ कहाँ है तैयबा? बाकी सब ने खाना खा लिया और बाहर कारी साहब आ गए। मिल गया स्काफ? रूम में थे बाहर बैठी। आयत अम्मी आपने खाना खाया? आज हमारे घर पे बना है मटन तो मैं अंदर ही बैठ के खाना खा रही हूँ, बाहर बच्चे को कुरान पाक पढ़ रहे, बच्चों ने टाइम पे पहले ही खा लिया। एक आप रह गए, कब से तैयबा पढ़ रही है, जल्दी जाओ पेट भर के खाए। ये मैगी बाद में खाना, वापसी पे पहले कुरान पाक पढ़ो। अब इससे सबर नहीं हो रहा, कहती है पहले मैं ये खाऊंगी बाद में जाऊंगी। भूख लग रही है? पहले मोबाइल में बैठी रही है, इतनी देर पहले मैंने मना कर दिया तब नहीं खा रही थी। अभी जैसे देखा ना कारी साहब को मोबाइल रख के अब जल्दी जल्दी खाने के लिए बैठ गई है। जल्दी खाओ, कहती है अकेली खाऊंगी, खुद खाएगी टाइम भी ज्यादा लगाएगी ना। और मुस्तफा दोनों पढ़ रहे हैं, जल्दी जाओ वाटर बोतल लेके जाओगी, ये लो पकड़ो 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 जल्दी। अब ये मैं जो मैंने सबक पढ़ाया तैयबा ये पढ़ो बेटी, मिला करो अभी आप शुरू करो। मैं खाना खाने जाऊँ, आप इसको देख रहे हो भाग ना जाए वहां से। ये रहा मेरा खाना। अभी सर्दी अभी है ना तो खाना जैसे प्लेट में निकाल के आना फौरन से ठंडा भी जल्दी हो जाता है, बार बार गर्म करना। अब हम टीवी कैसे देखेंगे? पता है क्या हो रहा है, डेली मैं सेटिंग चेंज करती हूँ, जैसे मैं यहाँ से कुर्सी वहाँ पर रखती हूँ, फिर मुझे नीचे रोज कमेंट आया होता है आपने ये वाली सेटिंग गलत की है। लेकिन मुझे बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता अगर कि आप बोलते भी हो कि ऐसे नहीं ऐसे लगाओ, मुझे अच्छा लगता है कि आप मुझे सजेस्ट करते हो, मुझे आइडिया देते हो, मुझे बताते हो समझाते हो, तो मैं वो सब कुछ आपसे सीख रही हूँ। आज भी जो फ्रेम लगा रही हूँ अगर अच्छी ना लगे तो बता देना, सुबह सुबह फिर उतार दूंगी। मैं कह रही हूँ हम ना ये वाली फ्रेम लगाए, आप यहाँ पे पकड़ो साइड को भरेंगे क्या हम वैसे? हाँ वैसे हम क्या इसी साइड को पूरा भर देंगे? वैसे कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, फिलहाल इसी जगह को भर रही है। उधर तो लगाओ, एक पकड़ो इसको एक मिनट। अन्ना आपने तो बोला था उधर वो लगाओ। ये अच्छा नहीं लग रहा? नहीं अच्छा लग रहा नहीं, ये वाला अम्मा पापा नहीं उतरा आगे ऊपर छत पे कौन देखे। ये वाली मैं अपने रूम में लगाऊं जो कि आप यूज ही नहीं करती अपना रूम। अब करूंगी अभी ना यहाँ पे पहले फ्रेम बना लेती हूँ कि कैसे कैसे सजाना है। मम्मी वो कहाँ गई? वो वाली फ्लावर वाली, ये वाली ये भी अच्छा लग रहा है ना? लगेगा तो ये कुछ ऐसा आ रहा है, अब देखो लगाने में कैसा लगेगा। इतनी देर सोचने के बाद मुझे ये वाला डिजाइन ज्यादा अच्छा लग रहा है इस तरह से। अगर यहाँ से शुरू कर रहे हो तो फिर नीचे देखना ज्यादा ये चेयर्स के नीचे ना चला जाए। मुंह वाला पेचकस, टेस्टर और हथौड़ी प्लस एक मुंह वाला पेचकस, दो मुंह वाला पेचकस सारे ले आओ, पूरा थैला ले आओ पापा का। एक मुंह वाला नट बोल्ट, एक मुंह वाला पेचकस चाहिए। ब्रांड न्यू हथौड़ा, पता नहीं आपके पापा ने कितनी हथौड़ियाँ रखी हुई है, टोटल कितनी अकाउंट की है? ये देखो एक ये है, एक तीन ये उठाई हुई है, चार ये हो गई, पांच वो हो गई, कितनी हथौड़ियां जमा की हैं। गाइस देखो फाइनली हमारे फ्रेम लग चुके हैं और ये डिजाइन मैंने किया और लगा के मेरे हस्बैंड ने दिया है। थोड़ी सी मिस्टेक होगी, ये वाली जगह जोड़नी नहीं थी। गाइस बताना आपको हमारा फ्रेम कैसा लगा। फर्स्ट टाइम ऐसा सोचा है कि थोड़ा सा ऊपर नीचे करके लगाएं, प्यारा लगेगा। और हमारे पूरे घर में सब सेट हो गए, जब से हम इस घर में आए ना हर कोई सेट हो गया। सेट कोई नहीं हो पा रहा तो वो है हमारी ये वाली डाइनिंग टेबल, इसको पूरे घर में कहीं जगह ही नहीं मिल रही, कभी ये इधर जाती है तो कभी इधर आती है। अब देखो यहाँ से टेबल के पास ये कितना प्यारा लग रहा है ना, ये पीछे फ्रेम। तो बस अभी फिलहाल इनको साइड पे करते हैं। आप सबकी फरमाइश पर टेबल को एक दफा फिर से चेंज करके देखती हूँ, ऐसे जैसे पहले पड़ी थी। तो, और आगे करो।
ये वैसे भी अंदर आ जाएगी अच्छा रहा है, ज्यादा अच्छा लग रहा है शायद से तो। हाँ जी अभी अच्छा आ रहा है, इस साइड पे आ जाओ, इस साइड पे। ये क्यों नहीं लग रहा है? ये थोड़ी बाहर निकल गई, ऐसा अच्छा लग रहा है। अब इसके साइड पे वहाँ पे टिश्यू रख दे। हाँ जी, और ये चिड़िया भी छोटी सी स्पैरो भी ये यहाँ पे जा रही है। चलो इधर बैठ के खाना खाएंगे। अगर आप बताना वरना तो मैं हर किसी के अलग अलग कमेंट्स करना, पूरे घर में इस टेबल को घुमाती रहूंगी और कहीं जगह नहीं बन रही। और बाकी जो हमारा ड्रीम हाउस बनेगा ना इंशाल्लाह, जितना भी टाइम लगेगा शुरुआत करते हैं बस उसको, तो जब भी शुरुआत करूंगी ना तो तब इंशाल्लाह उसको स्टॉप नहीं करेंगे, तो जल्दी जल्दी बनवाएंगे। जब वो बनेगा ना तो तब आपको कभी भी कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। उसको मैं बहुत अच्छे से डिजाइन करवाऊंगी, बहुत अच्छे से सारा कुछ प्रॉपर एक एक चीज सेट होगी। अभी थोड़ा थोड़ा करके ऐसे सेट कर रही हूँ कि चलो एक साल जितना भी यहाँ पर हमने एक टाइम गुजारना है तो वो थोड़ा बहुत उसको हम अच्छे से सेट करके। हाँ ये बहुत अच्छा किया तैयबा, ये तो आपने बड़ा अच्छा काम किया है। इधर करो व्हाइट वाले फ्लावर इस साइड। हाँ आप देखो कितना अच्छा लग रहा है, अब प्यारा लग रहा है। आयतुल कुर्सी लिखी है तो ये काफी नीचे थी पहले, आप सबके कमेंट थे लग रही है तो इसको भी थोड़ा ऊपर करो, तो देखो इससे भी ऊपर कर दिया, देखो ठीक लग रहा है ना। और हाँ इनके कॉर्नर अभी तक रिमूव नहीं हुए, वो होने हैं। अभी थोड़ा सा पूरे घर की तरफ अभी मैं घुमा दूं कि अब कुछ घर ऐसा लग रहा है, पता नहीं मुझे ये वाली सेटिंग भी अब थोड़ी सी अजीब लग रही है, ये जगह अब खाली लग रही है। मैं ना ये पता नहीं इसकी सेटिंग बन क्यों नहीं रही, क्योंकि ये सब कुछ अगर अलग अलग सेपरेट होता ना, जो हम अपना ड्रीम हाउस बनवाएंगे ना उसमें सब कुछ सेपरेट होगा, जैसे ड्राइंग रूम, लिविंग एरिया कुछ हमारा अलग होगा। एक गेम खेलते हैं गेस द फैमिली वाले, इसके अंदर पहले हम अम्मा को ब्लाइंड फोल्ड करेंगे, यानी कि अम्मा को देंगे, फिर अम्मा को जो है ना गेस करना होगा कि उनके आगे कौन खड़ा है। आपको गेम समझ में आए? हाँ, पट्टी बांध रहे हो, कहते हो कि ये कौन है आपके पास, तो मैं पहचान लूंगी। अम्मी तो मुझे सबको पहचान लेगी, सारे बड़े छोटे बराबर सेम, कोई एक जैसा नहीं है ना, सेम होते ना तो फिर अम्मी को थोड़ा मुश्किल होती। हाँ ये देखो, ऐसे हाथ रखो, बोलो किसी का हाथ लगा। मेरे पास एक आइडिया, अम्मा हाथ देंगी, हम हाथ पे एक बंदा ऐसे करेगा, एक चमाट मारेगा और एक को बोले अम्मी सिर्फ हमें हाथ टच करके बताए तो हमें पहचान लेगी, इसका मुस्तफा का हाथ है, आयत का ही है। एक मिनट आयत आ जाओगी, चलो सब लाइन में बैठे। क्या हो गया अम्मा को पता? आवाज नहीं, आवाज नहीं दे। चलो जो है ना अभी हम गेम शुरू करने लगे, जैसे मैं 1 2 3 करूंगी ना फिर स्टार्ट। हाथ पे हाथ पे हाथ पे हाथ, 4 out of 8 सबसे पहले नोबिता लाइन में लग गई। 3 and go चलो आराम से जाओ। चलो ये मुस्तफा, ये आयत, तैयबा, अम्मी तैयबा ही आयत थी, तैयबा। हाँ जी अम्मी तैयबा थी, ये सितारा अम्मा। हाँ जी ये सितारा थी, ये मुस्तफा, ये तो मैं हूँ। अब अम्मा बताए, अम्मा देखे बाछार, ये मुस्तफा। कौन गया था? ये गई थी ना, अम्मी ये गई थी, फिर आप क्या कहा? मुस्तफा। आपने कहा ये मुस्तफा गया, फिर अम्मी ये गई, आपने कहा तैयबा गई, उसने हाथ लगाया, आपने कहा तैयबा, मेरा हाँ जी मेरा बोला मुस्तफा, फिर गैर पापा ने लगाया, जो पापा ने लगाया तब भी आपने कहा मुस्तफा। चलो ये वाला ठीक नहीं, अम्मी को वो वाला कराते हैं, वो वाला। ऐसे हल्का सा टच करने से क्या पता किसने हाथ लगाया, मतलब इस तरीके से okay. ताकि अम्मा को फील हो, ठीक है, फील कराना है ना अम्मा को। अम्मा चले फील, ये तैयबा चले अम्मा फील करे, ये मुस्तफा। चले अम्मा, अम्मा अब किसकी बारी आ रही है? अब बताए किसकी बारी यार, मुस्तफा। तो खुद बता के आ रहे हो, ये वाला, ये मुस्तफा आया हो, इतनी छोटी मोटी है आप। ये
ये मुस्तफा आज मेरे साथ वही सीन किया है गाइज, इतना ज्यादा मजा आया ना हंस हंस के पेट में दर्द हो के। और इंशाल्लाह हम ना रात को ना डेली कोशिश किया करेंगे खाने के बाद ना एक गेम खेला करेंगे फैमिली नहीं, के साथ। आप खाना नहीं खाती थी ना, मैं कहती थी ये सितारा ने खाना खा लिया वो सारा खत्म कर लिया। आप अम्मी आंखें बंद करके मेरे साथ ये गेम खेलती थी कि अम्मी कहती है मैं आंखें बंद करके बैठी थी होती थी कि सितारा ने खाना खत्म कर दिया तो मैं फिर अम्मी की आंख खोलने से पहले खत्म कर देती। फैमिली के साथ बैठ के एक टाइम एक दूसरे के साथ हम स्पेंड करते हैं, एक प्यारी मेमोरी बनाते हैं, एक मेमोरी बनाते हैं एक दूसरे के साथ, टाइम स्पेंड हो जाता है। वरना कोई कहाँ मोबाइल में, कोई कहाँ फोन में, बच्चे कभी टीवी में, और एक हंसने का मौका मिलता है। कल ना हम साजिद से कहानी सुनेंगे, ठीक है? आप पूरा कहानी याद रखना। तो गाइस इसी के साथ हम आज का व्लॉग करते हैं एंड। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल। व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक कर देना, बहुत अच्छा लगा तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। कल मिलते हैं एक नए प्यारे व्लॉग के साथ। कल वैसे मुझे कहीं जाना भी है तो वो फिर कल बातें करेंगे, बहुत ही प्यारी जगह पर, अच्छी जगह पर जाऊंगी। तो कल मिलूंगी आपको एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ में याद रखना। बाय बाय। अल्लाह हाफिज कर दिया। बाय बाय। बाय बाय। नोबिता।